नमस्कार, आप देख रहे हैं E7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में 2 अगस्त से नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार का यू टर्न। अब 5 मंत्रियों की समिति तय करेगी स्कूल कॉलेज खोलने की तारीख। सीएम ने एक दिन बाद ही बदला शिक्षा मंत्री का फैसला। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने आज पकड़ी रफ्तार। कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग तरबतर, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश। झालावाड़ के पिडावा में 8.25 इंच रिकॉर्ड बरसात। कोटा में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। गहलोत सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुफ्त दी 1250 एकड़ जमीन। जल्द शुरू होगा अत्याधुनिक हवाई अड्डा बनाने का काम। MP में मानसून अभी रहेगा सक्रिय। भोपाल और इंदौर में आज होगी बारिश। ग्वालियर और रीवा संभाग में 3 दिन रहेगी तेज बारिश। मौसम वैज्ञानिक JT मिश्रा ने बताया, प्रदेश के अन्य इलाकों में मानसून होगा थोड़ा कमजोर। डबरा में 3 लाख रुपए के लिए पत्नी को तेजाब पिलाने के मामले में पीड़िता के पति भाभी को किया अरेस्ट। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री तोमर से मांगी मदद, घर पर ताला लगाकर भागी आरोपी ननद। आज होगा निर्णायक ऑपरेशन। हिल स्टेशन ने ओढ़ी हरियाली की चादर। पचमढ़ी में बादलों का लुफ्त उठाने पहुंच रहे पर्यटक। सुबह से छा रहा घना कोहरा, लगातार बारिश के दौरान पचमढ़ी में जमीन पर उतर आए बादल। पचमढ़ी की वादियों में लम्हे बिताने के लिए यहां परिवार और जीवन साथी के साथ पहुंचे लोग। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर आई सामने, 12 से 17 की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना को यूरोप में मिली मंजूरी। फाइजर के बाद अप्रूवल पाने वाली दूसरी वैक्सीन। सलमान खान नहीं, करण जौहर करेंगे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को होस्ट। मेकर से लेकर आए सबसे बड़ा ट्विस्ट, बता दें वे एक टेलीविजन टॉक शो कॉफी विद करण और व्हाट द लव में बतौर होस्ट आ चुके हैं नजर। इसी लिस्ट में अब एक और रियलिटी शो का नाम है चुनने वाला। आमिर खान ने पूर्व पत्नी किरण राव और टीम के साथ एंजॉय किया टेबल टेनिस टूर्नामेंट। लालसी चड्डा के सेट से सामने आई तस्वीरें। तलाक के बावजूद आमिर और किरण साथ में शूटिंग कर साथ समय बिता रहे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर सुर्खियों में। प्रियंका चोपड़ा ने बेची मुंबई की 2 प्रॉपर्टी, किराए पर दिया ऑफिस, 7 करोड़ रुपए में हुई डील। फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए E7 न्यूज के साथ। नमस्कार।